अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि पपीज पालने का, डॉग पालने का बहुत ही रिच एक्सपीरियंस हमारे पास है। अभी ले आए थे, उसके बाद हमने जर्मन शेफर्ड पाला, जर्मन शेफर्ड पूरी लाइफ लेके वो एक्सपायर हुआ जिमी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। पोमेरियन डॉग निक्का में आपका बहुत 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 स्वागत है। आई होप आप पोमेरियन डॉग निक्का में निक्का को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी निक सो रहा है और मैंने सोचा चलो आपको ये बता दूं कि मैं जो है निक्का को खाने में क्या देता हूं, सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात में डिनर तक। गाइज इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्या मैं देता हूं, क्या मैं नहीं देता हूं निक्का को। निक्का एक पोमेरियन पपी है, ठीक है, आप सब जानते होंगे। कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि निक्का कौन सी ब्रीड है, तो निक्का एक पोमेरियन पपी है, ये कल्चर पॉम है, ठीक है। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि कितने का लाए थे आप, कहां से लाए थे, तो इस बारे में मैं आपको अगले वीडियो में रिलीज कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि निक्का को हम मॉर्निंग में, लंच में, डिनर में क्या देते हैं और कितना देते हैं। तो गाइस सबसे जरूरी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लें, क्योंकि इसी तरह से इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। तो सबसे पहले जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, निक्का जो है उसका जो बर्थ डेट है वो 27 मार्च है। आज निक्का 2 से 2.25 महीने का हो चुका है। तो जब से हम निक्का, हम नॉर्मली क्या है, हम देखें तो 1 महीने पे ही हम उसको लाए थे। मदर मिल्क डेफिनेटली उसका 1 महीने पे छूट गया था। तो जब हम उसको निक्का को लाए तो हमने जो शुरुआत उसकी की, बेसिकली हमको जो सजेस्ट किया गया था वो किया गया था कि इस स्टार्टर से दिन की शुरुआत निक्का की करनी है। मैं आपको वीडियो में दिखवा देता हूँ, देख लें कौन सा स्टार्टर है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये ड्रूल्स का फोकस स्टार्टर है गाइस। इसमें क्या होता है ना, चॉकलेटी कलर के कुछ दाने होते हैं, चॉकलेट नहीं होती है ना, दाने होते हैं इस तरह के, देखिए आपके, है ना, ये कुछ 7-8 दाने आपको दिन की शुरुआत पे निक्का को हम लोग दे देते हैं। बेसिकली बहुत ही काम के ये दाने होते हैं, बिकॉज इन दानों में, पीछे मैं लिख पढ़ के बता भी देता हूँ आपको, इम्यूनिटी उसकी इंक्रीज होगी और उसकी जो इंटेस्टाइन के लिए है ये स्टार्टर्स अच्छे होते हैं। चूंकि क्या होता है ना, मिल्क मदर का छूटा होता है, उससे बढ़िया तो कोई चीज होती नहीं डेफिनेटली। तो शुरुआत इससे करेंगे तो हमें 2-3 बेनिफिट मिल जाएंगे, ग्रोथ अच्छी होगी, उसको इंटेस्टाइन के लिए अच्छा होगा, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होगा। तो आप ये ला सकते हैं, ड्रूल्स का फोकस सुपर प्रीमियम ऑल ब्रीड फॉर्मूला है, यानी किसी भी ब्रीड के लिए ये अच्छा हो सकता है। 50 रुपीज गाइज इसकी प्राइस है, राइट। तो आप सब ये लोग देख के आए, देख के लेके आए, स्टार्टर है 100 ग्राम का ही पैकेट, इनकी शुरुआत इसी स्टार्टर से आप करें, ठीक है। अभी क्या है, ये शुरुआत आपने दिन की कर दी, 6-7 बजे आप उसको ये दे सकते हैं, सो डैट जो रात से वो फास्टिंग पे था तो उसका थोड़ा सा पेट भर जाएगा। अभी 9:30 से 10 जैसे ही बजते हैं तो हम गाइज उसको देते हैं सेरेलेक। ये सेरेलेक है, सेरेलेक मुझे जो सजेस्ट किया था हमारे वेटरिन डॉक्टर ने, वो किया था 1 नंबर सेरेलेक, जो बेसिकली बच्चों को देते हैं। स्क्रीन पे आप सेरेलेक देख पा रहे होंगे, बेसिकली यही सेरेलेक जो है हम लोग निक्का को देते हैं। अच्छा, अभी क्या है ना कि ये हम यूज कर रहे हैं तो ये बेसिकली इसका जो मेन पैकेट था वो तो डेफिनेटली हम लोग फेंक चुके हैं, इसके अंदर जो है सेरेलेक ही है। और ये हम निक्का को 1 से 2 चम्मच गुनगुने पानी में गाइज आपको देना है। आप इसे चाहें तो दिन में भी दे सकते हैं, शाम को जब आप लोग टी ब्रेक लेते हैं ना 4-5 बजे के आसपास, तब भी आप ये लोग अपने पपी को आराम से गुनगुने पानी में दे। ध्यान रखें आप भी सेरेलेक के जो बाकी जो पोर्शन बचा हुआ होता है उसको सील पैक डब्बे में पैक कर लें, सो डैट उसमें सीलन या दूसरे कॉकरोच वगैरह उसमें नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। वैसे तो गाइज आप सब लोग समझदार, आपको आता तो होगा कि कितना आपको अपने पपी को सेरेलेक देना है। फिर भी मैं आपको छोटा सा डेमो दे देता हूँ, कटोरी में किस तरह से कितना चम्मच सेरेलेक डाल के गर्म पानी में डाल के देना होता है, आप देख लें और उसी हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। यही चीज मैं जब निक्का उठेगा, सो के उठेगा, तो मैं उसको दे दूंगा। रख लिया था तो मैं इसी में से ज्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच ही सेरेलेक लेना है आपको, क्योंकि है तो छोटा सा पपी ना, तो नुकसान भी नहीं हो ज्यादा देने से। तो ये 2 चम्मच मोर देन सफिशियंट होते हैं, आप आधा चम्मच और डाल लें और इसमें गुनगुना पानी, ठंडा मत लीजिए, पानी इसमें डाल लीजिएगा, इतना डालिएगा कि बहुत ज्यादा डाइल्यूट भी नहीं हो जाए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी रहे। और इसको इस तरह से आपको घोल लेना है, घोल लेना है। ये कंसिस्टेंसी आई थिंक ठीक है इसके लिए, बच्चे के लिए आप अपने छोटे बच्चे निक्का को, पपी को ये दे सकते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात बताना मैं भूल गया था फ्रेंड्स, जो फ्लेवर बेसिकली मैं लेके आया था वो मैं लेके आया था, अच्छा आपको बोलना है सेरेलेक भैया 1 नंबर दे दो, 1 नंबर होता है छोटे बच्चों के लिए होता है, वो आप पपीज के लिए भी यूज कर सकते हैं 1 नंबर। दूसरी बात, फ्लेवर को पूछेगा तो आप, मैं जो फ्लेवर लेके आया था राइस फ्लेवर लेके आया था, 2 डब्बे जब मैं 1 महीने में एक चल जाता है,
तो दो बार मैं राइस फ्लेवर लेके आया, अभी मैं व्हीट फ्लेवर लेके आया था और निक्का दोनों ही फ्लेवर्स को बहुत एंजॉय करता है। आप अपने पब के हिसाब से फ्लेवर्स ला सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये मैं साइड में रख देता हूँ। गाइज अब ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो अब आएगा निक्का के लंच का नंबर है। तो लंच में बेसिकली गाइज आप ध्यान रखें कि चूंकि पपी छोटा है तो उसको आप घर के आइटम्स खिलाने में ना दें, जो आप खाते हैं वो बिल्कुल ना दें। आप ऐसा ना करें कि रोटी दे दी, बड़ी बड़ी सब्जी दे दी, आपने बहुत सारी मिर्ची वाला को आइटम दे दिया, तो ऐसा ना दें, उसका पेट खराब 100% हो ही जाएगा। तो गाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन जो है बहुत ही अच्छा फूड एक माना गया है, प्रोटीन रिच फूड है। इसको भी देने का तरीका मैं आपको समझा दूंगा, पहले मैं सोयाबीन के बारे में आपको बता दूं। प्रोटीन रिच फूड होता है और इम्यूनिटी से लड़ने में फाइट करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके अंदर होता है, जो बेसिकली आपके पप के स्किन और उसके फर के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो बेसिकली बहुत सारे डिजीजेस में लड़ने में मदद करते हैं। अच्छा एक काम की बात, बहुत ही साइंटिफिक बात करने जा रहा हूँ। 100 ग्राम चिकन में 32 ग्राम प्रोटीन होता है, वहीं 100 ग्राम सोयाबीन में 54 ग्राम प्रोटीन होता है। तो डेफिनेटली ये चिकन से ज्यादा बेनिफिशियल है। चिकन भी आप दे सकते हैं, मगर वो जब पप्पी बड़ा हो जाए, जब वो डॉग बन जाए, तब आप चिकन ट्राई करें। पप्पी को चिकन ट्राई ना करें, सोयाबीन ही ट्राई करें। सोयाबीन का तरीका भी बिल्कुल एक सेरेलैक की तरह ही रखने वाले हैं। गुनगुना पानी लें, उसमें 5 से 7 जो इसके दाने होते हैं भिगो के रख दें, और जब वो स्पंजी हो जाए उसके बाद आप पप्पी को उसको लंच में दे सकते हैं। सोयाबीन को गाइज आप हफ्ते में सारे दिन ना दें, बेटर है आप अल्टरनेट डेज में दें, एक दिन छोड़ के दें। तो आप 3 से 4 बार ही हफ्ते में इसको दें सोयाबीन को। ज्यादा सोयाबीन देने का नुकसान ये हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज बेसिकली पपी को हो सकते हैं। हाथी किसी चीज की भी मत कीजिएगा उसको, जो भी आप आइटम दें ना, चाहे आप सोयाबीन दें या कुछ और आइटम भी दें, तो उसको कोशिश करें कि लगातार रिपीट ना करें, हफ्ते में 1 दिन छोड़ के उसको आप दें। इसके अलावा गाइज आप अपने पपी को कर्ड और छाछ भी दे सकते हैं। कर्ड चूंकि कंसेंट्रेट होती है, तो उसको थोड़ा सा पतला करके, और छाछ तो पतली होती ही, आप दे सकते हैं। अमृत है, आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सुबह शाम आप आराम से उसको दें, ज्यादा ठंडा भी ना हो, कंसिस्टेंसी थोड़ा सा उसका वार्म कर लीजिएगा। रोटी जो है आप, मैंने जैसे पहले ही बताया था, इमीडिएट आके उसको ना दे दें, क्योंकि माँ का दूध छूटता है, तो आप रोटी ना दें। रोटी उसको 2 से 3 महीने में ही जाके उसको शुरू करें। दूसरा, दूध जो है, मिल्क, कुछ लोग होते हैं जो मिल्क आते ही चूंकि सोचते हैं कि माँ का दूध छूटा है तो हम घर से दूध ही शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। दूध ज्यादा ना दें, दूध जो होता है उसका पेट खराब करने में बहुत मददगार होगा। तो कोशिश करें आप अगर दूध दें तो उसको 2-2.5 महीने बाद ही दूध दें, या अगर दें तो थोड़ा थोड़ा दूध दें। इसके अलावा आप उसको बॉइल्ड एग दे सकते हैं 2 महीने बाद जब पपी थोड़ा मैच्योर हो जाता है, तो उसको बॉइल्ड एग दे सकते हैं। कच्चा अंडा ना दें, पेट खराब और बीमार वो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट, क्योंकि ये तो एक वन वे हुआ, मैंने बोलता गया आप सुनते चलेगा, आपको कुछ डाउट होता है अपने पपी के बारे में तो आप मुझे बताएं, और मैं कमेंट बॉक्स में कोशिश करूंगा उसका आंसर दूं। और अगर बहुत सारी इसी चीज की क्वेरीज आएंगी तो मैं वीडियो भी रिलीज कर दूंगा। गाइस ये तो खाने पीने की बातें हो गई, इसके अलावा आप ये सप्लीमेंट भी इसको फूड में डाल के जरूर दें। ये सप्लीमेंट का नाम मैं चाहूंगा कि एक बार ये दिखा दें। इसका नाम है कैल्सीमस्ट पैक लिक्विड है, मैनकाइंड फार्मा का बेसिकली ये लिक्विड है, बेसिकली पेट्स के लिए है। नाम से पता लग रहा होगा कैल्शियम रिच ये सॉल्यूशन है। बेसिकली आपने कैल्शियम, आप जब पहले अगर आपने देखा होगा, कैल्शियम दानों के फॉर्म में, व्हाइट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में आता था, आजकल बहुत कुछ चेंज हो गया है, कैल्शियम लिक्विड फॉर्म में आता है। पिंक कलर का ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर कैल्शियम तो है ही, विटामिन ए, विटामिन डी 3, फॉस्फोरस, विटामिन B12 भी इसके अंदर है, मात्रा सामने लिखी हुई है। कितने का आता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 2200 रुपए का है, और मैनकाइंड फार्मा का बेसिकली है। जब आप सेरेलैक दें ना उसको, तो आप उसको थोड़ा सा एक ढक्कन क्वांटिटी में उसको उसके अंदर मिला के दे दें। हो सकता है पप स्टार्टिंग में आपका नहीं ले, जैसे निक्का ने भी जो है मुंह बनाया था, लेकिन उसके बाद जब हमने उसको थोड़ा घोल के देने लगे तो निक्का भूख भूख में वो भी ले लेता है। फायदा यह है बोन्स इसकी स्ट्रांग होंगी। कान कई बार गाइस गिर जाते हैं पपीज के, लोगों को समझ भी नहीं आता कान क्यों गिर गए, तो ये जब सॉल्यूशन देंगे तो कान एकदम बढ़िया खड़े हो जाएंगे और उसके हड्डियां भी मजबूत होंगी पपी की, है ना। तो ये आप गाइस जरूर लेके आए, कैल्सीमस फ्रेश के नाम से है, स्ट्रांग बोन्स एंड मसल्स के लिए फ्रेंड्स ये है। तो अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि पपीज पालने का, डॉग पालने का बहुत ही रिच एक्सपीरियंस हमारे पास है। मैं बचपन से ही, जब मैं स्कूल टाइम में था, तो पापा मम्मी हमारे लिए पोमेरियन पपी ले आए थे। उसके बाद हमने जर्मन शेफर्ड पाला, जर्मन शेफर्ड पूरी लाइफ लेके वो एक्सपायर हुआ, जिमी था उसका नाम। इसके अलावा हमने लैब्राडोर फीमेल भी पाली, उसका नाम कैंडी था, लाइफ लेके गई है। फाइनली हम दोबारा से कल्चर फॉर्म लेके आए हैं। तो डॉग लवर बेसिकली हम लोग हैं, तो हमको पता है कि क्या क्या पपीज के लिए अच्छा होता है। तो आप चाहें तो आप
अपने वेट से, या मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको करना चाहिए अपने पप के लिए। फ्रेंड्स, ये बेसिकली बोन, आपको बोन शेप लग रहा होगा, बोन बहुत काम की बोन है। फायदा इसका यह है कि कैल्शियम और मिनरल्स वाली बोन होती है, तो पपीज को ये चबाने, जब छोटे होते हैं ना पपीज, उनको चबाने के लिए दे देना चाहिए। दांत उनके आ रहे होते हैं, खुजली उनको हो रही होती है, जैसे हमारे बच्चों में होता है, पपीज में भी ऐसा होता है। तो चबाते रहेंगे, कोने में आराम से खेलते रहेंगे, बहुत टाइम निकल जाएगा और टाइम पास उनका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, आप अपना काम निपटा सकते हैं। वाटर जरूर, पानी उसको जरूर दें गाइस, लेकिन दो, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी स्टार्टिंग में देना शुरू करें। बाद में जब 2-2.5 महीने का पपी हो जाता है तो पानी उसको आप सफिशियंट अमाउंट में दे सकते हैं। अच्छा पानी देने से डेफिनेटली डिजीज से लड़ने में मददगार होता है। गाइस, वीडियो का सेकंड पार्ट हम इसमें ले लेते हैं, जो फटाफट फिनिश कर दे, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, कि क्या आप पपी को ना दें। गाइस, मीठा नहीं दें, नुकसान करता है उसके लिए। चॉकलेट्स नहीं दें, बिस्कुट्स नहीं दें जो आप खाते हैं। कुछ बिस्कुट पपीज के लिए आते हैं, आप अपने वेटरिनेरियन डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको ले सकते हैं, बिस्कुट हम तो नहीं देते। इसके अलावा मैंने सोयाबीन आपको बताया था, सोयाबीन आप ज्यादा एक्सेस नहीं दें, नुकसान करेगा, हार्मोनल प्रॉब्लम्स इश्यूज हो जाते हैं। रोटी वगैरह आप स्टार्टिंग में नहीं दें, बाद में 2-2.5 महीने का, 3 महीने का हो जाता है तब रोटी देना शुरू कर सकते हैं। दूध स्टार्टिंग में कम दें, बाद में आप सफिशिएंट दूध दे सकते हैं, ज्यादा दूध नुकसानदायक ही होता है। कोई पॉइंट्स अगर फ्रेंड मुझसे रह गए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बता देना, मैं उसको कोशिश करूंगा किसी तरीके से अगर कवर। फ्रेंड्स, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। आई होप आपने इसको लाइक किया होगा, निक्का को आप लाइक कर रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, जिसमें आपको और सारी चीजें बताएंगे, और आई होप निक्का आपको इसी तरह से एंजॉय करता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।